नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम मनोज गुप्ता एक बार फिर से हाजिर हूं आपके साथ डिस्कस करने के लिए एक और इम्पोर्टेंट जजमेंट रिगार्डिंग ई वे बिल। बहुत बार ऐसा हो जाता है आप गुड्स की मूवमेंट करते हैं और ऐसे में गुड्स की मूवमेंट के लिए जो वैलिडिटी पीरियड होता है, जिस पीरियड के अंदर वो आपको मूवमेंट कंप्लीट करनी है, वो वैलिडिटी पीरियड एक्सपायर हो जाता है। और ऐसे में आफ्टर एक्सपायरी ऑफ वैलिडिटी पीरियड अगर जीएसटी ऑफिसर आपकी गुड्स को, आपके व्हीकल को इंटरसेप्ट करता है, डिटेन करता है, और ऐसे में पता चलता है कि आपका जो ई वे बिल है वो एक्सपायर हो चुका है, विद इन वैलिडिटी आपने गुड्स की मूवमेंट कंप्लीट नहीं की है, ऐसे में वो उस ई वे बिल को इनवैलिड मानता है और आपके ऊपर पेनल्टी लेवी कर देता है। आप बहुत सारी चीज उसे कहते हैं, जैसे कि बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट है, टैक्स इनवॉइस है, जो ई वे बिल आपने जनरेट किया था वो सही ई वे बिल जनरेट किया था, जो डॉक्यूमेंट नंबर है रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन वो भी आपका मैच होता है, जो गुड्स व्हीकल के अंदर है वो आपकी सभी डिटेल्स, टैक्स इनवॉइस और आपके ई वे बिल से मैच हो रही है। लेकिन उसके बावजूद भी जीएसटी ऑफिसर का कहना है कि आपका जो वैलिडिटी पीरियड है वो एक्सपायर हो चुका है, आप पर पेनल्टी तो लेवी की ही जाएगी और पेनल्टी फाइनली लेवी की जाती है। अब इसके बाद क्या होगा? तो ऐसे में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यहां पर एक रिसेंटली एक जजमेंट के अंदर कहा कि अगर किसी तरह की कोई भी इंटेंशन टैक्स इवेजन की नहीं है और अगर आप जीएसटी लॉ का कंप्लायंस नहीं कर पाए हैं ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस, तो ऐसे में पेनल्टी लेवी नहीं की जाएगी। जी हाँ, यहां पर साफ साफ बार बार वही बात रिपीट की जा रही है जो मैं अर्लियर अपनी वीडियोस के अंदर रिपीट करता रहा हूं कि पेनल्टी लगाने के लिए जो इंटेंशन है, जो मैन जीरा है, अगर वो टैक्स इवेजन की है तो ही पेनल्टी लेवी की जा सकती है। अगर कोई नॉन कंप्लायंस है लेकिन टैक्स इवेजन की यहां पर कोई इंटेंशन नहीं है, तो ऐसे में कोई पेनल्टी आप पर लेवी नहीं की जा सकती। तो जब भी इस तरह की कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आपके सामने आती है, तो मेक श्योर आप जो अपने इंटेंशन है वो क्लियरली प्रूव कर सके कि आपने किसी तरह का कोई टैक्स इवेजन ना ही किया है और ना ही कोई इंटेंशन आपकी थी। तो यहां पर बेसिकली अगर हम बात करें कि फैक्ट ऑफ द केसेस क्या है, तो ऐसे में एक गुड्स की जो है मूवमेंट की जा रही थी जिसके अंदर बेसिकली दो ई वे बिल, दो ई इनवॉइस जो है जनरेट किए गए थे, और ऐसे में एक ई वे बिल यहां पर जो है एक्सपायर हो चुका था और उसके रिगार्डिंग जीएसटी ऑफिसर ने क्या किया, उसको इनवैलिड मानते हुए पेनल्टी लेवी कर दी। अब बात आई कि क्या ऐसे में यह जो पेनल्टी लेवी की गई है क्या यह वैलिड है, तो ऐसे में कहा गया कि इफ देयर इज नो इंटेंशन टू इवेड टैक्सेस, ओनली ए टेक्निकल वॉयलेशन बाय इटसेल्फ विदाउट एनी इंटेंशन टू इवेड टैक्सेस कैन नॉट लीड टू इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी, कि अगर कोई नॉन कंप्लायंस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पेनल्टी लेवी की ही जाएगी। तो यहां पर फैक्ट ऑफ द केसेस के अंदर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने सभी फैक्ट्स को अच्छे से समझा। यहां पर कहा गया कि जो एक ई वे बिल था वो वैलिड था लेकिन दूसरा ई वे बिल जो है उसका टाइम पीरियड एक्सपायर हो चुका था। इसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, चाहे वो टैक्स इनवॉइस है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन डॉक्यूमेंट है, चाहे वो ई इनवॉइस है, वो सभी वैलिडली सभी डिटेल्स के साथ मैच हो रहे थे। तो ऐसे में यहां पर कहा गया कि आपकी जो इंटेंशन अगर टैक्स चोरी की नहीं है तो पेनल्टी लेवी नहीं की जाएगी। अगर हम बात करें गवर्नमेंट की साइड से, जो जीएसटी डिपार्टमेंट की साइड से जो पक्ष रखा गया वो ये कहा गया कि स्टिल आपने जो है जीएसटी रूल्स का जो है कंप्लायंस नहीं किया है, तो ऐसे में पेनल्टी इंपोज की जानी चाहिए। यहां पर यह भी कहा गया कि जो वैलिडिटी पीरियड था, मतलब जो ई वे बिल एक्सपायर हुआ था, वो 10 दिन पहले ही एक्सपायर हो चुका था। 10 दिन एक्सपायर हो चुके थे, उसके बाद 10 दिन की गुड्स की मूवमेंट होती रही और ऐसे में जब गुड्स को इंटरसेप्ट किया गया, एट दैट टाइम जो है पता चला कि ये जो ई वे बिल है 10 दिन पहले ही एक्सपायर हो चुका है, तो ऐसे में पेनल्टी लेवी की जानी चाहिए। तो यहां पर जो जीएसटी डिपार्टमेंट है उसने अपना पक्ष रखते हुए कहा, ई वे बिल इज द नेसेसरी पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड द एक्सपायर्ड ई वे बिल डज नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द रूल्स। ही फर्दर सबमिटेड दैट अथॉरिटी हैव कंसीडर्ड द आर्ग्यूमेंट्स रेज्ड बाय द पेटिशनर एंड द ऑर्डर इंडिकेट्स दैट ई वे बिल हैज एक्सपायर्ड 10 डेज बिफोर द डेट ऑफ डिटेंशन। जिस डेट में डिटेंशन की गई गुड्स की, उस डेट से 10 दिन पहले ई वे बिल एक्सपायर हो चुका है। ही फर्दर सबमिटेड दैट पेटिशनर कुड नॉट एक्सप्लेन द रीजन, कि जब पूछा गया कि 10 दिन से आपका ई वे बिल एक्सपायर है, तो उसके रिगार्डिंग जो पेटिशनर है, जो टैक्स पेयर है, उसने कोई एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं की गई।
उसके बाद जो गवर्नमेंट ने बाकी चीजों को कंसीडर किया, यहां पर कहा गया कि सबसे पहली बात पेनल्टी इंपोज करने के लिए जो मेंस रिया है, मींस जो इंटेंशन है, क्या वो टैक्स इवेजन की है या नहीं। अगर टैक्स इवेजन की इंटेंशन नहीं है तो ऐसे में पेनल्टी इंपोज नहीं की जा सकती। दो ईवे बिल जनरेट किए गए थे, एक ईवे बिल एक्सपायर हुआ है, तो इट मींस जो दूसरा ईवे बिल जो एक्सपायर नहीं हुआ था वो आपने उस पर कोई डाउट नहीं किया, और जो दूसरा ई इनवॉइस था उस पर भी आपने कोई डाउट रेज नहीं किया। तो इसका मतलब ये तो क्लियर है कि कहीं पर भी कोई टैक्स इवेजन की तो बात है ही नहीं। तो ऐसे में अगर टैक्स इवेजन नहीं है, इंटेंशन नहीं है, तो ऐसे में पेनल्टी इंपोज नहीं की जा सकती। ठीक है, टेक्निकल रीजंस की वजह से जो है ईवे बिल नहीं बन पाया, या फिर ईवे बिल जो है पहले ही एक्सपायर हो चुका है, लेकिन स्टिल यहां पर किसी तरह का कोई टैक्स इवेजन इन्वॉल्व नहीं है, तो ऐसे में पेनल्टी इंपोज नहीं की जाएगी। तो इन लाइट ऑफ द सेम, दिस कोर्ट इज अनेबल टू एग्री विद द फाइंडिंग्स ऑफ द अथॉरिटीज एंड अकॉर्डिंगली द इम्प्यून्ड ऑर्डर्स डेटेड 16th of January 23 एंड 30th January 23 आर क्वेश्ड एंड सेट असाइड, कि इनको जो है कैंसिल किया जा रहा है, इनको जो है क्वेश्ड किया जा रहा है, जो भी आपने पेनल्टी ऑर्डर जो है लेवी किए हैं। तो सीधी सी बात है कि अगर पेनल्टी में ऑर्डर के अंदर आप ये प्रूव कर देते हैं कि आपकी किसी तरह की कोई टैक्स इवेजन की इंटेंशन नहीं थी, कोई टैक्स चोरी ना ही आपने की है, ना ही कोई इंटेंशन थी, तो पेनल्टी इंपोज नहीं की जा सकती। तो बहुत सारे लोग जो परेशान हो जाते हैं किसी टेक्निकल रीजन की वजह से, वो ई वे बिल ई इनवॉइस जनरेट नहीं कर पाए, तो ऐसे में मेक श्योर कि जो आपकी इंटेंशन है वो आप क्लियरली अगर प्रूव कर देते हैं विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपका टैक्स इनवॉइस है, जो आपका ट्रांसपोर्टेशन डॉक्यूमेंट है, जो आपका ई इनवॉइस है, जो आपका ई वे बिल है, तो वो अगर सभी आपस में मैच हो रहे हैं। इसके अलावा यहां पर तो जो क्लाइंट है उसने ये भी बताया कि फास्ट टैग के जरिए कहाँ कहाँ कैसे कैसे गुड्स की मूवमेंट हुई है वो आप ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी बताया कि जो व्हीकल है वो एक जगह पर खराब हो गया था और ऐसे में उसकी रिपेयर कराई गई, उस रिपेयर का जो बिल है, जो डॉक्यूमेंट है, वो भी प्रोड्यूस किया गया। तो इट मींस अगेन आपको बताना होगा कि आपने किसी तरह की टैक्स इवेजन की जो है कोई इंटेंशन आपकी नहीं थी, और जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके उस मूवमेंट के लिए हैं वो आपको प्रोड्यूस करने चाहिए। तो हो सकता है आपके इस तरह के किसी भी केस में जो है कोई टेक्निकल ग्लिच की वजह से कोई प्रॉब्लम आपको आई है, और ऐसे में ऑफिसर अगर पेनल्टी लेवी कर रहा है, तो आप इसको जो ये जो केस है इसको आप जो है रेफर कर सकते हैं, बेसिकली ग्लोब पैनल इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। इसके अलावा इस जजमेंट के अंदर भी और बहुत सारी जजमेंट जो है जिनको रेफर किया गया है, फाल्गुनी स्टील्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, हिंदुस्तान हर्बल कंपनीज वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, तो ये काफी सारी जजमेंट्स इनके अंदर है जो आप रेफर कर सकते हैं और जीएसटी ऑफिसर को जो है कन्विंस कर सकते हैं कि आपकी किसी तरह की कोई टैक्स इवेजन की इंटेंशन नहीं है, और ऐसे में अगर कोई पेनल्टी आप पर लगाई जा रही है तो उसको ड्रॉप किया जाए। और अगर जीएसटी ऑफिसर से आपको रिलीफ नहीं मिलती है तो अगेन आप अपेलेट अथॉरिटी के अंदर जो है आप इसको जो है प्रोसीड कर सकते हैं, और उम्मीद है कि वहां से आपको रिलीफ मिलेगी ही मिलेगी। तो मेरी एक और वीडियो आई होप आपके लिए यूजफुल होगी, और ढेर सारे ऐसे ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को, डाउनलोड कर लीजिए हमारी ऐप ऑल अबाउट टैक्सेस अगर आप बनना चाहते हैं एक्सपर्ट प्रोफेशनल इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग टैक्सेशन, ईएसआईसी, ईपीएफ, इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, आप अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं या फिर आप जॉब के अंदर अपना करियर इंप्रूव करना चाहते हैं, तो बहुत सारे अच्छे कोर्सेज आपको जो है हमारी ऐप के अंदर मिल जाते हैं। आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.allabouttaxes.in। इसके अलावा डेली टैक्स अपडेट्स आपको मिल जाते हैं हमारे व्हाट्सएप चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल से आप ये जितनी भी केस लॉज हैं इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, जितनी नई नोटिफिकेशन है वो आपके साथ वहां पर शेयर की जाती है। तो कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग ऑल अबाउट टैक्सेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।